हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लैपटॉप से ब्लूटूथ डिवाइसेस की जो प्रॉब्लम आ रही है कनेक्शन होने में, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप बिना देर किए जाइए डिवाइस मैनेजर में, वहाँ जाके आपको मिलेगा ब्लूटूथ। वहाँ उसके बहुत सारे ड्राइवर्स होंगे, उनमें से किसी को चूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने अपना ब्लूटूथ ड्राइवर येरा, इनमें से देख लीजिए। अगर अपडेट करने की ज़रूरत है तो अपडेट करके सर्च ऑटोमेटिकली पर क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और अगर फिर भी आपका सॉल्यूशन यहाँ से नहीं होता है तो आप अदर ड्राइवर्स को भी एक बार ओपन करके देख लीजिए और उन्हें भी अपडेट करके देख लीजिए। मेरा ऑलरेडी अपडेट है, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ के बाद भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप जाइए अपनी लैपटॉप की सेटिंग्स में, वहाँ जाइए आप अपडेट एंड सिक्योरिटी में, और उसके बाद चेकिंग फॉर अपडेट्स। और आफ्टर सम टाइम वेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, उसमें आप बिल्कुल इस जगह पे शो होगा, और वहाँ जाके आप ड्राइव अपडेट्स नाम से ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप आसानी से पूरा डिस्प्ले ड्राइव अपडेट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आसानी से आप अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। वो होने के बाद लैपटॉप आपसे रीस्टार्ट मांगेगा, उसके बाद आप एकदम फ्री माइंड होके लैपटॉप चलाइए, आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे कि आप देख सकते हो येरा, ये ऑन वाला जो साइन है ये गायब हो जाता है यहाँ से। मैक्सिमम टाइम में जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है, ये जो ऑन ऑफ वाला बटन है ये यहाँ से गायब हो जाता है। तो ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।